हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अगर आप एक कार ओनर हो तो आज वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आप आज वीडियो को थोड़ा भी स्किप करते हो तो भाई अगर अपनी गाड़ी के इंजन को किसी भी बड़े प्रॉब्लम से नहीं बचा पाओगे, क्योंकि भाई आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई कार का इंजन सीज क्यों होता है, ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिस वजह से कार का इंजन सीज हो जाता है। तो भाई अगर आप एक कार ओनर तो आपको पता होगा कि भाई इंजन सीज का मतलब क्या होता है। इंजन सीज का मतलब टोटल इंजन लॉस होता है, इंजन का कोई पार्ट जो है सही से नहीं बचता, सब जो खराब हो जाता है, इसी को बोलते हैं इंजन सीज होना। तो भाई अगर कार का इंजन सीज होना मतलब कि भाई समझ जाओ गाड़ी का जो टोटल जो है लॉस हो चुका है। गाड़ी का इंजन सिर्फ और सिर्फ मेन इंजन ही होता है, गाड़ी का अगर इंजन ही खराब हो जाएगा तो भाई बॉडी का करोगे क्या, बॉडी का कोई यूज भी नहीं आएगा। तो भाई इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई अगर आप एक कार ओन करते हो तो ऐसी कौन कौन सी चीजें आपको चेक कर लेनी चाहिए, तो जिससे आपकी गाड़ी का इंजन जो है बिल्कुल सीज नहीं होगा और आप जो है गाड़ी को लॉन्ग टर्म में एकदम अच्छे से रख सकते हो, आपकी कार में कोई भी काम नहीं आएगा। तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि भाई इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई कैसे जो गाड़ी का इंजन सीज होता है और कैसे आप जो अपनी गाड़ी के इंजन को सीज होने से बचा सकते हो। तो भाई जरूरी नहीं है कि भाई अगर आप एकदम नॉलेजेबल बंदे हो, आपके कार वार के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, तो भाई इस कंडीशन में गाड़ी का इंजन सीज नहीं होगा। भाई बहुत लोग क्या होता है, बहुत लोग ये भी गलती कर डालते हैं कि भाई सब कुछ नॉलेज होने के बाद भी कार का इंजन जो है सीज हो जाता है। तो भाई चलो आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सो गाइस चैनल पे नए आए हो तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे देखने को मिलेगा। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी कार का इंजन सीज होने का दो मेन कारण होता है। सबसे पहला कारण जो होता है वो गाड़ी का इंजन ऑयल ना होना। तो भाई अगर आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल प्रॉपर नहीं है, इंजन ऑयल का लेवल जो है कम हो चुका है, तो भाई इसी कंडीशन पे गाड़ी का इंजन जो है सीज हो जाता है। तो भाई एक चीज़ आप ध्यान में रखो, अगर आप अपनी गाड़ी को रोज ड्राइव करते हो, आपकी गाड़ी जो काफ़ी ज़्यादा रोड पर चलता है रोज ही रोज, तो भाई आप जो अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल लेवल है हर दो से दिन में चेकआउट करो कि भाई कहीं आपका ऑयल लेवल कम तो नहीं हो रहा है। या फिर अगर आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा ड्राइव नहीं करते हो तो भाई एक टाइम पीरियड बना लो कि आपको जो हर 10 दिन में अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल लेवल एक बार जरूर चेक करना है। तो भाई इस कंडीशन पे होगा क्या, आपको पता चलता रहेगा कि भाई अभी गाड़ी का इंजन ऑयल लेवल कहीं कम तो नहीं हो रहा है। वैसे गाड़ी का इंजन ऑयल जो है कम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गाड़ी का इंजन ऑयल फिर भी कम हो रहा है तो भाई इस कंडीशन पे आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल जो है टॉप अप कर सकते हो, अगर आप अपनी गाड़ी को ध्यान पे रखते हो तो। क्योंकि कार में जैसे ही इंजन ऑयल कम होगा वैसे ही भाई जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं ना वो जो है सीज होने लग जाएंगे और गाड़ी का जो है टोटल इंजन सीज हो जाता है। तो भाई यही मेन कारण होता है गाड़ी के इंजन सीज होने का। तो भाई सबसे पहला कारण तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई कैसे जो है गाड़ी का इंजन सीज होता है और आप उसको जो है कैसे बचा सकते हो अगर आप जो है टाइमली इस चीज़ को चेक करते हो। तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ दो रीजन होता है गाड़ी के इंजन सीज होने का। तो भाई सबसे पहला होता है इंजन ऑयल और दूसरा जो है गाड़ी का कूलेंट। तो भाई आपको जो है जितना इंपॉर्टेंट गाड़ी में इंजन ऑयल लेना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाड़ी का कूलेंट है। भाई गाड़ी में अगर कूलेंट नहीं रहेगा तो भाई इंजन जो है ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, बहुत जल्दी जो है गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। तो भाई आपको क्या करना है, आप कहीं भी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो या फिर आप अपनी गाड़ी को डेली ड्राइव करते हो, इस कंडीशन पे आपको हर दो दिन में अपनी गाड़ी का कूलेंट एक बार जरूर चेक कर लेना कि भाई आपकी गाड़ी का जो कूलेंट लेवल है प्रॉपर जो है फुल लाइन तक है या नहीं है। अगर गाड़ी में कूलेंट कम रहेगा तो भाई इस कंडीशन पे गाड़ी का इंजन जो है ओवरहीट होगा और ओवरहीट होने के बाद भाई आपकी गाड़ी का गैस्केट उड़ जाएगा और इस कंडीशन पे पूरा इंजन सीज हो जाएगा। और भाई इंजन सीज होना मतलब कि समझ जाओ पूरा आपको जो है इंजन का काम कराना पड़ेगा। तो भाई सोच लो अगर आप छोटा सा चीज़ नहीं देखते हो, जैसे कि आप अपनी गाड़ी का कूलेंट ही नहीं देखोगे, इस कंडीशन पे गाड़ी का जो इंजन है ना भाई पूरा का पूरा सीज हो जाएगा। इंजन सीज से बचने के लिए आपको अपनी गाड़ी का रूटीन चेकअप करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप जो है डेली ड्राइव कर रहे हो तो भाई मुश्किल से उसके लिए आपको एक मिनट समय निकालना है और आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल का लेवल भी चेक कर सकते हो और कूलेंट का लेवल भी चेक कर सकते हो। भाई मुश्किल से मुश्किल एक मिनट लगेगा, उससे ज्यादा तो लगेगा ही नहीं। तो भाई यही चीज आपको चेक करना है। अगर आप अपनी गाड़ी को लॉन्ग टर्म चाहते हो, आप चाहते हो कि अपनी गाड़ी में कोई मेजर प्रॉब्लम ना आए, तो भाई इंजन ऑयल चेक कर लेना और कूलेंट चेक कर लेना। इसके अलावा आपको कोई भी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी का इंजन जो है काफी ज्यादा सेफ रहेगा और बिल्कुल भी सीज वगैरह नहीं होगा। और अगर मान लो आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल लेवल जो है थोड़ा बहुत कम हो चुका है तो भाई इस कंडीशन पर आपको अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल टॉप अप करना है। अब भाई आपको कोई भी ऑयल यूज नहीं करना है, आपने जिस ग्रेड का इंजन ऑयल आप पहले यूज किया हुआ था, मान लो आपने अपनी गाड़ी को जब भी सर्विस करवाया रहा होगा तो भाई उस कंडीशन पर मान लो अगर आप जो 5W30 यूज किया रहे होगे तो भाई आपको सेम ग्रेड का इंजन ऑयल यूज करना है, आपको कोई दूसरे ग्रेड का इंजन ऑयल यूज नहीं करना है। नहीं तो भाई ये भी जो इंजन डैमेज करने का एक मेन कारण होता है। और मान लो कि आप कोई ऐसी जगह पे फंसे हुए हो जहाँ पे आपको जो है कूलेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो भाई इस कंडीशन पे आपको करना क्या है, आप जो अपनी गाड़ी के कूलेंट पे पानी का भी यूज़ कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, तो भाई इससे गाड़ी पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर गाड़ी पे पानी नहीं है तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अगर गाड़ी में पानी है तो इंजन के लिए ये उतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। तो भाई आपको टेम्प्रेरी पीरियड के लिए अगर कूलेंट अवेलेबल नहीं हो रहा और आपकी गाड़ी का कूलेंट जो है लीक हो चुका है, तो भाई आप जो है वहाँ पे पानी का यूज़ कर सकते हो, गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और भाई आप जैसे ही कोई अच्छे शॉप पे पहुँचोगे आप जो है गाड़ी पे कूलेंट डलवा लेना, गाड़ी के इंजन में कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, गाड़ी के इंजन में कोई भी खराबी नहीं होगा। तो भाई अगर आप एक जो है 1000 से 1200 cc का इंजन ओन करते हो और आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो चुका है, तो भाई इसको रिपेयर करने का कॉस्ट जो है 40,000 से 50,000 रुपए के आसपास आता है। अगर आपकी गाड़ी का इंजन और बड़ा है, जैसे मान लो इनोवा वाला हो गया, स्कॉर्पियो वाला हो गया, तो इसमें आपको जो 1,00,000 रुपए के आसपास भी इजीली लग जाता है। इंजन को बचाने का सिर्फ और सिर्फ दो ही सॉल्यूशन है, सबसे पहले आपको इंजन ऑयल ही चेक करना है और दूसरा जो है कूलेंट चेक करना है। तो भाई इसको चेक कर लेते हो तो भाई गाड़ी का इंजन जो है कभी भी सीज नहीं होगा, गाड़ी के इंजन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो भाई आज वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, क्योंकि भाई इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेगा।